नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे ने 10 अगस्त को अपनी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ महारैली का आयोजन करने की घोषणा की। नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवे के महासचिव डॉक्टर एम राघवैया ने दिल्ली स्थित NFIR के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त मंच में NFIR और विभिन्न महासंघों ने 10 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में NPS के खिलाफ विशाल रैली प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया। देश भर से बड़ी संख्या में कर्मचारी नई दिल्ली पहुंचकर विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और उक्त रैली में ज्वाइंट फॉर्म की ओर से NPS के खिलाफ और OPS की बहाली के लिए भविष्य में तीव्र संघर्ष का कार्यक्रम घोषित किए जाने की उम्मीद है। महासचिव डॉक्टर एम राघवैया ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1982 में दिए अपने फैसले में कहा था कि पेंशन कर्मचारी का सम्मान पूर्वक जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह कोई उपहार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व रेल मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सुरेश प्रभु ने वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि रेलवे कर्मचारियों की भूमिका अद्वितीय, जटिल और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले रक्षा बलों के समान है, इसलिए रेलवे को छूट दी जानी चाहिए। एम राघवैया, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे एवं लीडर JCM स्टाफ साइड पर, ये कम से कम रेलवे कर्मचारी है, जितने स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, उसका कोई बोझ नहीं है क्योंकि करोड़ों रुपया प्रोविडेंट फंड जो है। सर बताएं, 10 तारीख को कैसे कार्यक्रम रहेगा? 10 तारीख को रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ हैं, टीचर्स हैं, इनकम टैक्स के साथी हैं, स्टेट के साथी हैं, सारे असेंबल होंगे इस बात के लिए कि नई पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। तो इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। हम बराबर जो है, जब से ये जॉइंट मोर्चा बनाया है, जगह जगह हमने एजिटेशन की है, मीटिंगें की है। अभी लखनऊ के अंदर 5-6 तारीख को, 6 जुलाई को हमने एक बाइक रैली निकाली, जिसके अंदर 1,500 बाइक जो है उसके ऊपर 3-3 आदमी थे, 3-4 हज़ार आदमी था, पूरे 6 किलोमीटर की रैली निकाली इसी के विरोध में कि ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर करो, नई पेंशन स्कीम रद्द करो। अगर गवर्नमेंट हमारी बात को नहीं सुनती तो लास्ट में हम 2024 के इलेक्शन में जॉइंटली वोट की चोट का जो है वो देंगे इनको। राघवैया, जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन एवं लीडर JCM स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल। अभी बताएं कि जो 10 तारीख को आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या इसमें और जो यूनियन है, क्योंकि देखी गई कि रेलवे की बहुत सारी यूनियन है अलग अलग तरीके से, वो भी सब इसमें सहयोग करेंगे? ये तो जॉइंट फोरम है, जॉइंट एक्शन NPS को रद्द कराने के लिए हम फैसला किया और जॉइंट एक्शन माध्यम से रामलीला मैदान में NFIR फेडरेशन, रेलवे फेडरेशन, डिफेंस फेडरेशन, पोस्टल फेडरेशंस, इनकम टैक्स एसोसिएशन और राज्य सरकार के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी, टीचर्स भी, जो लोग हैं सरकार स्कूल्स में वो टीचर, सारे लोग को जोड़ के ये संयुक्त महाप्रदर्शन NPS को रद्द कराने के लिए, ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए 10 तारीख अगस्त रामलीला मैदान मार्च करने के लिए फैसला किया। NFIR तरफ से हजारों संख्या में रेल कर्मचारी गाड़ी पकड़ के, टिकट खरीद के दिल्ली पहुंचेंगे और भारत में हर कोने कोने से, हर स्टेशन पे भी आने का रिपोर्ट मुझे मिली। ये महाप्रदर्शन माध्यम से सरकार को हम वार्निंग देना चाहते हैं, नया पेंशन स्कीम नो पेंशन स्कीम है, ये रद्द करके पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर करिए, जनवरी 2004 से रिस्टोर करिए, वरना संघर्ष और इंटेंसिफाई करेंगे और हड़ताल के लिए भी सारे कर्मचारी संगठन से बात करके हम निर्णय लेंगे।